हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस ऐसा करने पर तुमको सिविल सर्विसेज की फ्री कोचिंग की सुविधा मिल सकती है, इसलिए तुम यहाँ आवेदन कर सकते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करने का वादा करने वाले छात्र छात्राएं सिविल सर्विसेज की फ्री कोचिंग पाने को यातायात निदेशालय के व्हाट्सएप नंबर 8,755,727,000 पर आवेदन कर सकते हैं। 5 नवंबर को IAS और IPS अफसरों की मौजूदगी और 2 घंटे की कोचिंग होगी। यातायात निदेशालय ने मैं देहरादून मिशन के तहत युवाओं का जैसाड़ने के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग को जैसाड़ा है। यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लेने वाले छात्र छात्राओं को यह कोचिंग फ्री और दी जाएगी। ट्रैफिक नियमों का पालन करने का वादा करने वाले छात्र छात्राएं सिविल सर्विसेज की फ्री कोचिंग पाने को यातायात निदेशालय के व्हाट्सएप नंबर 8,755,727,000 पर आवेदन कर सकते हैं। 5 नवंबर को IAS और IPS अफसरों की मौजूदगी और 2 घंटे की कोचिंग होगी। यातायात निदेशालय ने मैं देहरादून मिशन के तहत युवाओं का जैसाड़ने के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग को जैसाड़ा है। यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लेने वाले छात्र छात्राओं को यह कोचिंग फ्री और दी जाएगी। निदेशालय के सहायक पुलिस महानिरीक्षक केवल खुराना के मुताबिक इस मिशन से जुड़ने को युवाओं ने काफी तादाद और इच्छा जाहिर की है। विधिवत आवेदन निदेशालय के मोबाइल नंबर पर किया जा सकता है। चयनित छात्र छात्राओं को 5 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे की कोचिंग पुलिस मुख्यालय और दी जाएगी। आवेदन पत्र और नाम, पिता माँ के नाम के अलावा शैक्षिक योग्यता, इंटर और नंबर आए की प्रतिशत के अलावा यह बताना होगा कि वह सिविल सर्विसेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा परिवार के वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी उल्लेख करना होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।